कोविड महामारी में ऑक्सीजन सिलेंडरों की कमी आड़े न आए इसके लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से जुटा हुआ है। कोविड केयर सेंटरों में कोविड पॉजिटिव मरीजों के लिए समय पर ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है। वहीं ऑक्सीजन सिलेंडरों की डंपिंग करने वालों के लिए जिला उपायुक्त ने कड़े निर्देश जारी किए हैं। उपायुक्त देवश्वेता बनिक ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि अगर किसी के पास ऑक्सीजन सिलेंडरों को पाया जाता है तो उसके खिलाफ आपदा अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई लाई जाएगी। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि अगर किसी के पास ऑक्सीजन सिलेंडरों का स्टॉक पड़ा हुआ है तो तुरंत जिला प्रशासन को सौंपे ताकि ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने वालों पर नकेल कसी जा सके। उपायुक्त देवश्वेता बनिक ने बताया कि आपदा अधिनियम एक्ट के तहत आदेश जारी किए हैं कि कोई भी व्यक्ति ऑक्सीजन सिलेंडरों की डंपिंग करता है या फिर कालाबाजारी करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने बताया कि इंडस्ट्री विभाग, एसडीएम व अन्य अधिकारियों को पुलिस के साथ ऑक्सीजन सिलेंडरों की कालाबाजारी करने वालों पर कड़ी नजर रखने के लिए कहा है। साथ ही निर्देशों में औचक निरीक्षण करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि अभी हमीरपुर में ऐसा कोई भी मामला सामने नहीं आया है, लेकिन प्रशासन ने एहतियात के तौर पर निर्देश जारी कर दिए हैं। उपायुक्त ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि अगर किसी के घर में या संस्थान में ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध है तो उसकी विस्तृत जानकारी प्रशासन को तुरंत मुहैया करवाएं। देखिए, हमने अपने हाल ही में और एक आदेश जारी किए हैं डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत, जिसमें हमने ये ऑर्डर्स किए हैं कि कोई भी व्यक्ति, ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेडर या कोई भी और एंटिटी जो है, अगर होर्डिंग करता है या कलेक्ट करके जो है वो कहीं रख लेता है अनऑथराइज तरीके से, या ऑक्सीजन सिलेंडर्स और ऑक्सीजन रेगुलेटर्स को इस तरह से कहीं कालाबाजारी करता है, तो उसके खिलाफ जो है एक तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में कार्रवाई होगी ही। उसके अलावा हमने एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स को, इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट के अधिकारियों को, फूड इंस्पेक्टर्स वगैरह, इस तरह के काफ़ी सारे अधिकारियों को ऑथराइज किया है कि पुलिस के हेल्प लेके वो उन प्रिमाइसेस को जो है वो रेड कर सकते हैं, और अगर उसमें कोई होर्डिंग पाई गई तो एक तो उनको जब्त कर लिया जाएगा और उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई होगी। इसी के साथ साथ सभी लोगों से भी आह्वान किया है कि जिसके पास अगर स्टॉक सच में ऑक्सीजन का, किसी के पास सिलेंडर्स का पड़ा हुआ है, तो वो उसको हमें जो है उसकी रिपोर्ट दे ताकि ज़रूरत पड़ने पर उनका इस्तेमाल किया जा पाए। तो इस तरह की कोई भी अगर ऐसी पुख्ता अभी तक जानकारी कोई इस तरह की अभी हमीरपुर में नहीं मिली है, बट ये ऐसी स्थिति से निपटने के लिए ऑर्डर जारी किए हैं जहां पे लोग अक्सर देखा गया है और भी जगहों में कि होर्डिंग और कालाबाजारी जो है वो करते पेश आए हैं, तो ताकि हमीरपुर में ऐसी स्थिति ना आए इसी को चलते हमने ये ऑर्डर्स किए हैं।